नागपुर जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान पिछले 2 से 3 दिनों से नाटकीय घटनाक्रम के दौरान पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र राज्य के विधायक सुनील केदार की समझदारी से पाटन सावंगी सर्कल की मुक्ता कोकड्डे व विपक्ष को हराकर अध्यक्ष बनी तो गोन्नी सर्कल से कुंदा राउत उपाध्यक्ष बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी को आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा, साथ ही विपक्षी दल ने भी अपनी रणनीति बनाई थी। हालांकि चुनावी मैदान में अनुभवी सुनील केदार को जीत प्राप्त हुई है और नागपुर जिला परिषद में एक बार फिर अपना निर्विवाद वर्चस्व उन्होंने साबित किया। इस दौरान जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से संवाद साधा। इसके साथ ही कांग्रेस के राजेंद्र मुलक ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि यह चुनाव परिणाम बदलाव की शुरुआत है। नागपुर की उपराजधानी में कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ। एक आदिवासी बहुल भाग की हमारी बहन मुक्ता कोकरड़े ये कांग्रेस की जिला परिषद अध्यक्ष करके जीत के आई है। साथ में हमारी दूसरी बहन कुंदा राउत ये कांग्रेस की जिला परिषद की उपाध्यक्ष करके जीत आई है। आज के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार को विड्रॉल करना पड़ा और कांग्रेस से ही कोई एक दो लोगों को दबाव के माध्यम से और विविध आमिष देकर हमारे अगेंस्ट में खड़ा करके अपना दबाव का राजकारण करने का कोशिश की, लेकिन समूचे जिला परिषद सदस्यों ने कांग्रेस के जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जीता के लाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की घोर निंदा करता हूं और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और शेकाप और अपक्ष की हमारी आगाड़ी महाविकास आगाड़ी की शिवसेना की ये जीत हुई है। मैं इस जीत में हमारे जिले के नेता, पूर्व मंत्री सम्मान्य सुनील केदार साहब और तमाम कांग्रेस जनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये मेहनत हमारी रंग लाई है। अव्वल हम हमारे पक्ष श्रेष्ठी को भेजेंगे, लेकिन उस कार्रवाई के उपरांत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग का खेला खेलने की कोशिश वो नागपुर जिले में करने की कोशिश की, उस खेले को नागपुर जिला के तमाम हमारे जिला परिषद सदस्यों ने नाकाम करके बताया। नागपुर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाने आणि माझे नेते महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री सुनील भाऊ केदार साहेबांनी एक शेतकऱ्याची मुलगी म्हणून ग्रामीण भागाचं उपाध्यक्ष पद मला दिलं आणि ग्रामीण जनतेच्या सेवा करण्याची मला संधी दिली, त्याबद्दल मी माननीय माजी मंत्री, माझे नेते आदरणीय सुनील भाऊ केदार साहेब यांचं मनापासून आभार मानते। तसेच आमचे नेते ग्रामीण काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजेंद्र भाऊ मुळक, महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे नेते नानाभाऊ गावंडे, सुरेश भाऊ भोयर, जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षा रश्मिताई बर्वे, उपाध्यक्ष सुमित्राताई कुंभारे, राष्ट्रवादीचे नेते बंगसाहेब आणि मला आम्हाला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनवले असे सर्व आघाडीचे सर्व मित्र पक्ष यांचे मी मनापासून आभार मानते। येणाऱ्या काळामध्ये काँग्रेस पक्षांनी 2 महिलांवर विश्वास टाकला, जनरल असतानी सुद्धा एक महिला सक्षमीकरणाला त्यांनी संधी दिली, त्याबद्दल पक्षश्रेष्ठीचा आम्ही विश्वास कुठेही अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष महिला म्हणून कमी पडू देणार नाही। आणि ग्रामीण भागामध्ये जनतेचे जे काही प्रश्न राहील, जिल्हा परिषदच्या ज्या काही योजना राहील, तळागाळापर्यंत प्रत्येक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा मानस राहील आणि आघाडी पक्षाला सोबत घेऊन जाण्याचं आमचं दोघींचंही एक मनापासून आमचं एक मानस राहील एवढंच। पक्षश्रेष्ठींनी जी मला संधी दिलेली आहे त्यामध्ये आदरणीय केदार साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये मी निश्चितच जिल्हा परिषदेमध्ये चांगली कामगिरी करेल याची ग्वाही देते। आता तुम्हाला माहितीच आहे की पाऊस हा काही पिछा सोडतच नाही, त्या पाऊस सततच्या पावसामुळे ग्रामीण भागातले रस्ते शुद्ध पाणी यांची समस्या, आरोग्याची समस्या निर्माण झालेली आहे। तसेच मी शिक्षिका आहे आणि त्यांनी माझं सर्वात जास्त प्राधान्य हे शिक्षण विभागाकडे राहील की मी कशा प्रकारे डिजिटल शाळा जास्तीत जास्त प्रमाणात करू शकेल याला मी प्राधान्य दिले। मी शेतकऱ्याची मुलगी या नात्याने मी शेतकऱ्यांना सुद्धा शेतकऱ्यांच्या साठी विविध योजना जिल्हा परिषदच्या माध्यमात राबवण्याचा प्रयत्न।
और भविष्य में भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद है। यही नहीं, बगावत करने वालों पर पार्टी द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी मुलक द्वारा कहा गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।